और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको मैनपुरी, जहां पर सीएम योगी सभी को संबोधित कर रहे हैं। भारत की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा और सचमुच जिनके अंदर भारत ने बहुत कुछ संभावनाएं देखी थी, ऐसे सीमंत माथुर और सिंधिया जी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा उस दौरान 2001 की उस त्रासदी के दौरान, जब जिन्होंने भी एक समाचार सुना, एक दुखद समाचार सुना था, उनके मुंह से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन के शब्द न फूटे हो। राजनीति की दीवारों को तोड़ करके हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर राजनीतिक दलों के लोगों ने उस समय इस दुखद घटना पर अत्यंत दुख की अनुभूति करते हुए उस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज जब उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से सीमंत माधवराव सिंधिया जी को उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और सीमंत माधवराव सिंधिया जी की इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं मैनपुरी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के हमारे तमाम मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबका भी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अतिथि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी, मैं जिनका सीमंत माधवराव सिंधिया जी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश से अटूट संबंध है, उन सबका भी मैं आज मैनपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में सीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो,
आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय रेल आज भी याद करिए, 40 वर्ष के बाद भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को स्मरण करता है इस बात को लेकर के कि जो न्यू उन्होंने उस समय रखी थी भारतीय रेल की मजबूती का वह आधारशिला बना था, भारत की अर्थव्यवस्था को के बैकबोन के रूप में जो हम भारतीय रेल को जानते हैं। उस समय आदरणीय सिंधिया जी ने जो कार्य किया था वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। जब भारतीय रेल की बात होती है तो उसमें एक स्वर्णाक्षरों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम वहां हम सबको देखने सुनने और रेलवे के वर्तमान स्वरूप में हम सबको देखने को मिलता है। रेलवे की भी स्पीड होनी चाहिए। रेलवे केवल अपनी मीटर गेज तक सीमित न रहे बल्कि रेलवे की अपनी की स्पीड भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे। शताब्दी रेल की शुरुआत उस समय की एक अद्भुत और रोमांचकारी घटना हुआ करती थी और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो ये न मांग करता रहा होगा साहब एक शताब्दी मेरे यहां से भी शुरू कर दी जाए या मेरे क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जाए। हर ओर एक मांग होती थी और भाइयों बहनों एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राजनीति की। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर रखकर के उन्होंने राजनीति में करते थे, सबको साथ लेकर के चलने का एक सामर्थ्य था। एक बड़े परिवार में, राज परिवार में जन्म लेकर के भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में उनकी बड़ी सकारात्मक और स्पष्ट सोच थी, यह उन्हें लोकप्रिय भी बनाती थी और साथ साथ उन्हें भारत की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे के रूप में हर व्यक्ति उस रूप में देखता था। लेकिन दुखद घटना ने सन 2001 में उन्हें हमसे छीना। यह क्षेत्र जिसके बारे में 1770-71 में उस समय सिंधिया राजघराने ने उस समय की अपनी सेना के माध्यम से अफगानों को यहां से भगाने, उनकी क्रूरता से क्षेत्र को मुक्त कराने में जो अपना योगदान दिया, अपने पूर्वजों के द्वारा मुक्त कराई गई भूमि में ही उन्होंने अंतिम श्वास ली। और आज इसी स्थान पर जहां पर इस चौराहे के नाम से जो चौराहा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम पर है उनकी इस भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम भी कुछ देर पूर्व हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां पर उस स्थल की भव्यता, उसके सुंदरीकरण का कार्य हमारा पर्यटन विभाग करेगा ही, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जो स्मारक बना है श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का, वह स्थान बहुत छोटा है। उस स्थान को एक भव्य पार्क के रूप में विकसित करने, वहां पर भी उनकी मूर्ति स्थापित हो, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम, वहां के पहुंच मार्ग और वहां पर सड़क मार्ग के साथ साथ विद्युतीकरण के कार्यक्रम को भी जिला प्रशासन अविलंब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिससे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से यहां के युवा और राजनीति में आने वाले, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हरेक दल के नौजवानों को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। खासतौर पर युवाओं के लिए, सार्वजनिक जीवन में जो लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं उनके लिए उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी रहेगा और इस देश से इस स्मारक को उस रूप उस प्रकार का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और उस कार्यक्रम को हमें पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना है। इसको श्री जयवीर सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, यह मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर
अभी आप सबके सामने माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने गोरख स्पीड गोरखपुर और ग्वालियर घराने के साथ संबंधों की चर्चा की। हम सब जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से जब उत्तर प्रदेश विदेशी आक्रांताओं से भयभीत रहा होगा, यहां पर भय और दहशत का माहौल रहा होगा, उस कालखंड में जिन महापुरुषों ने उस आतंक से इस क्षेत्र को मुक्त करने का योगदान किया था, उनको सम्मान देना इस संतों की परंपरा रही है और गोरखस्पीड के संतों की परंपरा ने सदैव से महत्व दिया है। उस समय के हमारे पूज्य संतों ने, गोरखस्पीड के हमारे पूर्वजों ने, उस समय के योगेश्वरों ने, वहां के गोरखस्पीड की परंपरा के उन पीठाधीश्वरों ने अपनी उस परंपरा का निर्वहन किया कि भारत की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा जिनके कारण हो पा रही है उन्हें एक उचित उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनाथ हुई भारत की जनता के लिए उस समय नाथ के रूप में उन्होंने योगदान किया था, जिसमें श्री नाथ की उपाधि से उस समय के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के पूर्वजों को उस समय भी गोरखस्पीड की परंपरा ने नवाजने का काम किया था, सम्मानित करने का काम किया था, क्योंकि वे उसके हकदार थे। विदेशी आक्रांताओं को धूल दूषित करके उन्हें भारत की धरती के बाहर खेलने का कार्य उन्होंने 18वीं सदी में किया था, और स्वाभाविक रूप से धर्म की स्थापना का जो महत्व भूमिका का कार्य उस कालखंड में उनके द्वारा किया गया था, आज भी हमारे लिए स्मरणीय है, अभिनंदनीय है, और इसके लिए मैं उन पूर्वजों को भी विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करता हूं। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का योगदान, वैसे राजमाता का जन्म भूमि तो उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश उनका जन्म भूमि होने के नाते हर उत्तर प्रदेशवासी उन्हें राजमाता के रूप में अपार आदर और सम्मान का भाव रखता है। धर्म के प्रति कितनी अगाध निष्ठा थी राजमाता जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।